Class 2, today is a lovely day. Myself, Ankita Singh Rajput, your Hindi teacher from Redid Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for Class 2, subject Hindi grammar. विषय क्या है हमारा? Hindi व्याकरण. तो चलिए हम अपने व्याकरण मुस्कान किताब की ओर चलते हैं कक्षा 2 के लिए. स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो प्रीवियस वीडियोस में एक बार मैंने पाठ एक का भाषा और व्याकरण समझाया था, जिसे आप अच्छे से समझे होंगे, और उसके बाद मैंने पाठ एक का प्रश्न उत्तर करवाया था, जिसको आप कॉपी में भी कर लिए होंगे. और आज मैं पाठ एक का ही क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न 2 करवाऊंगी, प्रश्न 3 और प्रश्न 4, जो कि हमारा बुक वर्क है, जो कि आपको बुक में करना है. 2 है, निम्न में सत्य कथन के लिए सही का और असत्य कथन के लिए गलत का निशान लगाइए. इसका मतलब जो सही है उसके लिए, जो कथन सही है, सत्य है, उसके लिए सही का निशान लगाइए, और जो कथन असत्य है, गलत है, उसके लिए गलत का निशान लगाइए. क में भाषा के 3 रूप होते हैं. क में क्या पूछ रहा है कि भाषा के 3 रूप होते हैं. तो स्टूडेंट्स, भाषा के बेटा कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं. कैसे? आप बोलिए, कैसे मिस 3 रूप होते हैं? मैंने बुक में पढ़ाया था, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ था कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. लेकिन बेटा, भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं. पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, और तीसरा सांकेतिक भाषा. तो ये बिल्कुल सही है. पूछा है कि भाषा के 3 रूप होते हैं, तो हाँ, भाषा के 3 रूप होते हैं. यहाँ पर आप सही का निशान लगाइएगा. ख, मौखिक भाषा बोली जाती है. बिल्कुल सत्य है कि मौखिक भाषा बोली जाती है, तो इसमें भी सही का निशान लगाइएगा. ग, कन्नड़ भाषा हमारे देश की एक भाषा है. इसमें पूछ रहा है कि कन्नड़ जो भाषा है, क्या हमारे देश की एक भाषा है? तो हाँ, बिल्कुल सही है. कर्नाटक में कन्नड़ भाषा ही बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा हमारे देश की एक भाषा है, ये भी बिल्कुल सही होगा. घ में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है. हिंदी भाषा मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है. तो घ भी सत्य कथन है, तो इसमें भी सही का निशान लगाइएगा. अंग, केरल में गुजराती बोली जाती है. केरल में गुजराती नहीं बोली जाती है, ठीक है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि केरल में गुजराती बोली जाती है, तो ये कथन असत्य है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाइएगा. तीसरा, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यहाँ पे दो दो करके दिया गया है कि इस दोनों में से चुनकर आपको लिखना है किस में, खाली स्थान में आपको भरना है, ठीक है. क है, एक विदेशी भाषा है. आप ही बताओ, हिंदी और जापानी दो दिया हुआ है कि हिंदी और जापानी, कौन विदेशी भाषा है? तो जापानी मेरा विदेशी भाषा है. आप क्या लिखोगे क में? तीसरा के क में क्या लिखोगे? जापानी. जापानी एक विदेशी भाषा है. ख, हिंदी भाषा की लिपि है. हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है. तो यहाँ पर आप ख में लिखोगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है. ग, हमें भाषा के नियम बताता है. मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन भाषा के नियम बताता है, बताओ आप लोग? व्याकरण. क्या होगा इसमें? व्याकरण, क्योंकि व्याकरण हमें भाषा के नियम बताता है. घ में गुरुमुखी भाषा की लिपि है. गुरुमुखी भाषा की लिपि है, तो क्या यहाँ पे होगा? तमिल की पंजाबी, पंजाबी. यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंजाबी. गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है. अंग, भाषा की मौखिक रूप में उसे जाता है. क्या जाता है? बोला कि पढ़ा? तो बोला जाता है. भाषा के मौखिक रूप में उसे बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, निम्न चित्रों में भाषा के जिस रूप का प्रयोग हो रहा है. क, ख और ग में चित्र दिए गए हैं, और जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है उस पर सही का निशान लगाइए, ठीक है, उस पर टिक का निशान लगाना है. क में एक टीचर हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं, तो ये कौन सा भाषा हुआ? लिखित भाषा, ठीक है, तो आप लिखित भाषा में टिक कर लोगे. ख में एक लड़का टेलीफोन पे बात कर रहा है, तो ये कौन सा भाषा हुआ? बोल करना किसी से बात करेगा, तो ये कौन सा भाषा हुआ? मौखिक भाषा. तो मौखिक भाषा पे टिक कर लीजिएगा.
गांव में एक लड़का देखिए पेन लिया है और एक कागज पे लिख रहा है, ठीक है, तो लिख रहा है ना, तो ये कौन सा भाषा हुआ बताइए आप लोग मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स क्लास टू के, ये लिखित भाषा हुआ क्योंकि ये लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखित भाषा में टिक लगा दीजिएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर टू का आपको सारा करवा दिया है, सही गलत करवाना था, क्वेश्चन नंबर थ्री में खाली स्थान भरवाना था मैंने वो भी करवा दिया, क्वेश्चन नंबर फोर में प्रश्न चार में जो जिस भाषा का प्रयोग हुआ है इस चित्र में उस पर सही का निशान लगाना था मैंने आपको ये भी करवा दिया। आप लोग स्टूडेंट्स एकदम अच्छा से बुक वर्क कर लीजिएगा और एकदम मन लगा के घर पे पढ़ाई करिए। मैंने पार्ट एक का जो आपको भाषा और व्याकरण समझाया था प्रीवियस वीडियो में उसे आप अच्छा से सुनिए, जितना मैंने क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाया था प्रश्न उत्तर फेयर में उसे आप याद करिए, और आज जो मैं आपको करवा रही हूँ आज डेट कितना है मेरा 19/5/2020, तो आज का जो भी मैंने आपको करवाया है उसे आप अच्छा से बुक वर्क करिएगा और मम्मी पापा को बिना तंग किए बिना परेशान किए अच्छा से घर पे पढ़िएगा। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियोस एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।